हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम सीख रहे हैं वोकेबलरी थ्रू कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो आपका, चाहे एसएससी हो, चाहे आपका बैंकिंग का हो, चाहे आपका रेलवे हो, या कोई भी यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या किसी भी प्रकार का टीचिंग जॉब हो, उसमें इंग्लिश का सेक्शन कंपलसरी होता है। इंग्लिश का सेक्शन आता ही आता है, और उस इंग्लिश के सेक्शन का जो मेजर चंक होता है, जो मेजर पोर्शन होता है, वो आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है। और कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज दिया गया रहता है और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछते हैं आपके एग्जामिनेशन पेपर में। तो अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग नहीं है तो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को समझने में। और अगर आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को समझोगे नहीं तो उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक तो इनडायरेक्टली वोकेबलरी कैसे आपकी हेल्प करती है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में, आपको ये पता लग गया। अब डायरेक्टली वोकेबलरी कैसे हेल्प करती है आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व करने में। तो दोस्तों, होता क्या है कि कंप्रिहेंशन पैसेज दिया रहता है और उसमें कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनको हाईलाइट कर दिया जाता है, बोल्ड कर दिया जाता है, और या तो उस वर्ड की मीनिंग पूछ ली जाती है, या फिर उनकी सिनोनिम पूछ ली जाती है, एंटोनिम पूछ ली जाती है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, या कोई इडियम फ्रेज दे करके उसकी मीनिंग पूछ ली जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे वोकेबलरी आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व करने में मदद करती है। तो दोस्तों, इसी पैटर्न को ध्यान में रख करके और आपकी इसी ज़रूरत को हम समझ करके लेकर के आए हैं आपके बीच वोकेबलरी थ्रू कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस से जुड़ी हुई एक सीरीज। उसमें हमारी कई वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के सेशन का अपना पहला कंप्रिहेंशन पैसेज। दोस्तों, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर आज के सेशन का पहला कंप्रिहेंशन पैसेज। तो दरअसल हम करते क्या हैं, पहले दिए हुए कंप्रिहेंशन पैसेज को इंग्लिश में रीड आउट करते हैं, फिर उसका मतलब हिंदी में समझते हैं, फिर देखते हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो पहले चलिए रीड आउट कर लेते हैं इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को इंग्लिश में। द अदर डे आई विजिटेड अ रेफ्यूजी कैंप वेयर द विक्टिम्स ऑफ द गुजरात अर्थक्वेक वर लिविंग इन वेरी पैथेटिक कंडीशंस। आई वॉज पर्टिकुलरली कंसर्न्ड बाई एन ओल्ड वेमेन हु वॉज डिटर्मिंड टू गिव हर ग्रैंड चिल्ड्रेन अ बेटर फ्यूचर। शी वॉज अ स्ट्रांग एंड करेजियस वेमेन हु इवन आफ्टर द डेथ ऑफ हर चिल्ड्रेन अंडरटुक सच अ जर्नी थ्रू लाइफ एंड नेवर फेल्ट वीक और ब्रोकन बट वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल। तो यहाँ पे एक रेफ्यूजी कैंप की बात की गई है जिसमें कि रेफ्यूजीज रहते थे, विक्टिम्स रहते थे गुजरात अर्थक्वेक के, विक्टिम्स। जो भी गुजरात अर्थक्वेक से प्रभावित लोग थे वो रेफ्यूजी कैंप में रहते थे, और जो नरेटर है, जो ऑथर है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है इस पैसेज में, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में, कि वो एक रेफ्यूजी कैंप को उसने विजिट किया और उसने वहाँ क्या देखा, तो वो चीज़ें यहाँ पे ब्रीफली उसने मेंशन करी है। तो अब चलते हैं, देखते हैं इसका हिंदी में मतलब, कि एक दिन मैंने, यानी ऑथर ने, मैंने एक रेफ्यूजी कैंप को विजिट किया, एक रेफ्यूजी कैंप में गया, शरणार्थी कैंप में गया, शिविर में गया, जहां पर गुजरात भूकंप से प्रभावित लोग बहुत ही दयनीय, पथेटिक कंडीशंस में, दयनीय कंडीशंस में रहते थे, है ना, दयनीय स्थितियों में, परिस्थितियों में रहते थे। आई वॉज पर्टिकुलरली कंसर्न्ड, मैं विशेष रूप से एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी महिला को लेकर के चिंतित था, जो कि अपने जो पोते पोतियां हैं उनको एक बेहतर भविष्य देने के लिए काफी डिटरमिंड थी। ठीक है, शी वॉज अ स्ट्रांग एंड करेजियस वुमेन, वो एक मजबूत, एक शक्तिशाली, यानी स्ट्रांग, मजबूत और करेजियस वुमेन थी, एक स्ट्रांग और करेजियस महिला थी, जो कि अपने बच्चों के डेथ के बावजूद
डेथ के बाद भी उसने इस जर्नी को, इस यात्रा को आरंभ किया, और कभी भी अपने आप को कमजोर और बिखरा हुआ, टूटा हुआ महसूस नहीं किया। और वो सबके लिए इंस्पिरेशन है, सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, तो ये रहा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का हमारा मतलब हिंदी में। अब देखते हैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एप्रोप्रिएट मीनिंग पूछी जा रही है गिवन वर्ड की। गिवन वर्ड हमारा क्या है? गिवन वर्ड हमारा है रेफ्यूज। रेफ्यूज यहाँ पे एक नाउन है। रेफ्यूज का मतलब क्या होता है? रेफ्यूज का मतलब होता है कि शरण स्थल। ठीक है, शरण स्थल, जहाँ पे आपको शरण मिले, शेल्टर मिले, आश्रय मिले। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रेफ्यूज। रेफ्यूज, चलिए देखते हैं एक एक करके अपने ऑप्शंस। ऑप्शन वन हमारा है अ प्लेस, एक ऐसी जगह दैट गिव्स शेल्टर, जो आपको शरण दे, आश्रय दे, या आपको प्रोटेक्शन दे, सुरक्षा दे किसी भी खतरे से, किसी भी अनहोनी से। ठीक है, तो एक ऐसी जगह जो आपको आश्रय दे या सुरक्षा दे किसी भी खतरे से, किसी भी परेशानी से, दिक्कत से, अनहोनी से। ठीक है, ऑप्शन टू हमारा है अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री लिविंग इन अनदर कंट्री। तो किसी भी देश का, किसी भी एक देश का नागरिक जो कि दूसरे देश में रहता हो। ठीक है, ऑप्शन जो थ्री हमारा है अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति विथ नो सिटीजनशिप, जिसकी कोई नागरिकता ना हो। ऑप्शन फोर हमारा है नन। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है हमसे? रेफ्यूज। रेफ्यूज का मतलब पूछा गया है, रेफ्यूज का मतलब होता है शरण स्थल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, ऑप्शन वन अ प्लेस दैट गिव्स शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर और ट्रबल्स। ठीक है, तो एक ऐसी जगह जो कि आपको आश्रय दे, आपको सुरक्षा दे किसी भी प्रकार के खतरे से, किसी भी प्रकार की अनहोनी से, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेफ्यूज कहते हैं, उसको हम शरण स्थल कहते हैं, रेफ्यूज कहते हैं। और जो रेफ्यूज लेते हैं, जो रेफ्यूज में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रेफ्यूजीज कहते हैं, शरणार्थी कहते हैं। ठीक है, उनको हम शरणार्थी कहते हैं जो कि इन शरण स्थलों में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन वन है वही हमारा अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा गिवन वर्ड रेफ्यूज का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन वन को ही करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। दोस्तों, आज के सेशन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे गिवन वर्ड का सिनोनिम पूछा जा रहा है। ठीक है, सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का। तो गिवन वर्ड हमारा क्या है? पैथेटिक। पैथेटिक यहाँ पे आपका एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। ठीक है, तो पैथेटिक का मतलब पहले देख लेते हैं। पैथेटिक का मतलब होता है कि दयनीय, दयनीय। ठीक है, दयनीय, पैथेटिक का मतलब होता है हिंदी में दयनीय। ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन वन जो हमारा है चेयरफुल। चेयरफुल का मतलब क्या होता है? चेयरफुल का मतलब होता है प्रसन्न। ठीक है, चेयरफुल का मतलब होता है प्रसन्न। ऑप्शन टू देख लेते हैं। ऑप्शन टू जो हमारा है वो है एडमायरेबल। एडमायरेबल का मतलब कि कुछ, कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति जो कि प्रशंसा के योग्य हो, एडमायरेशन के योग्य हो। तो हम देखेंगे अगर हिंदी में एडमायरेबल का मतलब, तो उसका मतलब होता है कि प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। ठीक है, तो जो प्रशंसा के योग्य हो उसको हम कहते हैं प्रशंसनीय, एडमायरेबल। ऑप्शन थ्री देख लेते हैं। ऑप्शन थ्री है ग्लैड। ग्लैड का मतलब होता है कि खुश, खुश या प्रसन्न। ठीक है, ऑप्शन जो फोर हमारा है पीटीएबल। पीटीएबल का मतलब होता है दयनीय, है ना, दयनीय, जो कि बहुत ही पीटी की कंडीशन में हो, बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में हो, उसको हम कहते हैं पीटीएबल। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है हमसे? सिनोनिम पूछा गया है, समानार्थी शब्द पूछा गया है दिए गए शब्द का, गिवन वर्ड का। तो गिवन वर्ड हमारा क्या है यहाँ पे? पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय। तो आप यहाँ पे ऑप्शन फोर देखो, पीटीएबल। पीटीएबल का मतलब भी होता है दयनीय।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन 4 है वही एप्रोप्रिएट सिनोनिम है गिवन वर्ड पैथेटिक का, तो हम यहाँ पे ऑप्शन 4 को ही करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। तो आज के सेशन का जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर से सिनोनिम पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है दिए गए शब्द का, गिवन वर्ड का। गिवन वर्ड हमारा क्या है? डिटरमिंड। ठीक है, गिवन वर्ड हमारा है डिटरमिंड। डिटरमिंड का मतलब क्या होता है? डिटरमिंड का मतलब होता है कृत निश्चय। ठीक है, कृत निश्चय, जिसने निर्णय कर लिया हो, जिसने डिसीजन ले लिया हो, है ना, और वो उसे डेविएट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं, वैसे व्यक्ति को हम कहते हैं डिटरमिंड, जो बिल्कुल जो है कृत निश्चय हो, जिसने किसी भी चीज को लेकर के निश्चय कर लिया हो और उससे वो डेविएट होने की संभावना उसकी कम हो, तो उसको हम कहते हैं डिटरमिंड कृत निश्चय। यहाँ पे इसका पूछा गया है सिनोनिम समानार्थी शब्द। तो हम देखेंगे अब अपने ऑप्शंस एक एक करके। तो दोस्तों ऑप्शन 1 हमारा है वो है वीक। वीक का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, तो दोस्तों वीक का मतलब होता है कमजोर। ऑप्शन 2 देख लेते हैं। ऑप्शन 2 हमारा है रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है दृढ़, दृढ़ प्रतिज्ञा। ठीक है, जिसने दृढ़ प्रतिज्ञा करी हो, जिसने दृढ़ रिजोल्यूशन लिया हो, उसको हम कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञ रिजॉल्व। तो दोस्तों देखते हैं अपना अगला ऑप्शन जो कि है ई रेजोल्यूट। ई रेजोल्यूट का मतलब होता है कि जो अडिग न हो, अडिग न हो, यानी जो रेजोल्यूट ना हो, वो अडिग अडिग ना हो, रेजोल्यूट ना हो, उसको हम कहते हैं ई रेजोल्यूट। ई रेजोल्यूट यानी जो आसानी से डिग जाए, जो आसानी से डेविएट हो जाए, हिल जाए, जो कि अडिग ना हो, उसको हम कहते हैं ई रेजोल्यूट। ई रेजोल्यूट कहते हैं। तो ऑप्शन 4 देख लेते हैं। ऑप्शन 4 हमारा है सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल। ठीक है, ऑप्शन जो 4 हमारा है सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल या नरम। ठीक है, ऑप्शन 4 जो हमारा सॉफ्ट है उसका मतलब होता है सॉफ्ट का कोमल या नरम। तो यहाँ पे आप देखो पूछा क्या गया है, डिटरमिंड का पूछा गया है सिनोनिम, और डिटरमिंड का मतलब होता है कृत निश्चय। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन 2 विच इज रिजॉल्व्ड, रिजॉल्व्ड का मतलब भी होता है दृढ़ प्रतिज्ञ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा ऑप्शन 2 है रिजॉल्व्ड वही हमारा अप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा गिवन वर्ड डिटरमिंड का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 2 को रिजॉल्व्ड को ही करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे बेसिकली पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है एंटनिम। एंटनिम यानी विपरीत शब्द पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का। ठीक है, तो गिवन वर्ड हमारा क्या है? करेजियस। ठीक है, करेजियस हमारा यहाँ पे गिवन वर्ड है और करेजियस का मतलब होता है साहसी। ठीक है, तो करेजियस का मतलब होता है कि साहसी, जिसके पास करेज हो, जिसके पास साहस हो, उसको हम कहते हैं करेजियस। करेजियस आपका यहाँ पे एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। ठीक है, और इसका पूछा गया है एंटोनिम। तो चलिए देखते हैं अपने ऑप्शन एक एक करके। ऑप्शन 1 जो हमारा है ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे बहादुर। ठीक है, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ठीक है, जिसमें ब्रेवरी हो, जिसमें साहस हो, जिसमें बहादुरी हो, उसको हम कहते हैं ब्रेव बहादुर। ठीक है, ऑप्शन जो 2 हमारा है लायन हार्टेड। तो जो हमारा लायन हार्टेड है इसका मतलब भी होता है बहादुर। ठीक है, बहादुर, लायन हार्टेड का मतलब क्या होता है कि जिसका जो जिगर है, जिसका जो दिल है, वो बिल्कुल शेर की तरह हो। और शेर कैसा होता है? वो भयहीन होता है, शेर भयातुर नहीं होता है। तो शेर किसी से डरता नहीं है, शेर साहसी होता है, बहादुर होता है। तो अगर कोई व्यक्ति बहादुर है तो उसको हम कहेंगे लायन हार्टेड। ठीक है, ऑप्शन 3 देख लेते हैं वैलियंट। वैलियंट जो हमारा
जो ऑप्शन 3 है उसका अर्थ भी बहादुर होता है। बहादुर साहसी, साहसी निडर होता है, ठीक है, या निडर होता है। ऑप्शन 4 जो हमारा है कावर्डली, कावर्डली का मतलब होता है कि कायर, ठीक है, कावर्डली का मतलब होता है कायर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखो करेजियस जिसका मतलब होता है साहसी, और हम अपना देखें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में पूछा गया है एंटोनिम करेजियस का, तो आप यहाँ पे देखो ऑप्शन 4 कावर्डली, कावर्डली का मतलब होता है कायर, तो हमारा जो ऑप्शन 4 है कावर्डली, कावर्डली का मतलब होगा कायर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोस्तों जो हमारा ऑप्शन 4 है कावर्डली, वही हमारा करेजियस का मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन 4 को ही करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो दोस्तों आज के सेशन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फिर से एक बार एंटोनिम पूछा जा रहा है यहाँ पे गिवन वर्ड का, और गिवन वर्ड हमारा क्या है अंडरटेक, अंडरटेक यहाँ पे एक वर्ब है अंडरटेक, तो अंडरटेक का मतलब क्या होगा, अंडरटेक का मतलब होता है आरंभ करना, ठीक है, अंडरटेक का मतलब होता है आरंभ करना, और इसका मतलब आरंभ करना होता है अंडरटेक का, और इसका पूछा है इन्होंने एंटोनिम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपने ऑप्शन से एक एक करके। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन 1 है टैकल, टैकल का मतलब क्या होता है, टैकल का मतलब होता है कि सामना करना, ठीक है, सामना करना किसी भी समस्या का, ठीक है, तो टैकल का मतलब होता है कि किसी भी समस्या का सामना करना या किसी भी स्थिति को संभालना, ठीक है, संभालना। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे जो 2 है हमारा सेकंड ऑप्शन वो है टेकअप, टेकअप का मतलब क्या होता है, टेकअप का मतलब होता है कि शुरुआत करना किसी भी उत्तरदायित्व को संभालना, ठीक है, तो शुरुआत करना टेकअप का मतलब होता है शुरुआत करना। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो 3 हमारा है फॉरगो, फॉरगो का मतलब क्या होता है, छोड़ देना या जाने देना, ठीक है, छोड़ देना या जाने देना। ऑप्शन जो 4 हमारा है दोस्तों वो है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, आपको पता है एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, पूछा गया है अंडरटेक का एंटोनिम अपोजिट मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो अंडरटेक का मतलब होता है आरंभ करना, तो आप देखो ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 यहाँ पे जो फॉरगो है उसका मतलब होता है छोड़ देना। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन 3 है फॉरगो, इट समहाउ अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड अंडरटेक, सो वी वुड मार्क ऑप्शन 3 फॉर गो एज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अंडरटेक। तो दोस्तों आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन का अपना अगला कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। दोस्तों आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर आज के सेशन का दूसरा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो दोस्तों हम पहले इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को रीड आउट करेंगे इंग्लिश में, फिर इसका मतलब हिंदी में समझेंगे, फिर देखेंगे इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को। तो चलिए पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। राजन इज अ सेल्समैन, ही गोज फ्रॉम डोर टू डोर सेलिंग वैक्यूम क्लीनर्स। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ वर्क ही डिसाइडेड टू सेल हिज गुड्स बाय नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ अ प्राइवेट हाउसिंग स्टेट। माई फर्स्ट कस्टमर, ही थॉट एज ही प्रेस्ड द डोर बेल ऑफ द फर्स्ट हाउस, अ मिडल एज्ड वेमेन विथ कर्लर्स इन हर हेयर ओपेंड द डोर। राजन बिगैन टू एक्सप्लेन हु ही वॉज एंड द प्रोडक्ट ही वॉज सेलिंग। द नेक्स्ट मिनट द डोर वॉज स्लैम्ड शट, नॉट इंटरेस्टेड। जॉन हर्ड हर साउट बिहाइंड द क्लोज्ड डोर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले समझते हैं इसका हिंदी में मतलब, कि राजन एक सेल्समैन है और वो घर घर जा करके वैक्यूम क्लीनर्स को बेचता है, ठीक है, और पहले ही दिन है ना अपने काम के पहले ही दिन उसने सोचा कि वो एक जो प्राइवेट हाउसिंग स्टेट है
उसके यहाँ जा करके दरवाजे पर नॉक करके है ना बेचेगा अपने सामान को, अपने गुड्स को, ठीक है। तो जैसे ही उसने डोरबेल को प्रेस किया, डोरबेल को दबाया, दरवाजे की घंटी को दबाया पहले घर के, उसने सोचा, उसके मस्तिष्क में क्या आया, माई फर्स्ट कस्टमर, मेरा पहला ग्राहक। तो उसका पहला ग्राहक कौन था? अ मिडल एज्ड वेमेन, एक मिडल एज की महिला ने, जिसका हेयर कर्ली था। उसने क्या किया, दरवाजा खोला, और जैसे उसने दरवाजा खोला, राजन ने क्या किया, राजन ने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि वो कौन था और उसका प्रोडक्ट क्या है जिसको वो बेच रहा है। लेकिन अगले ही मिनट क्या हुआ कि दरवाजा धड़ाम से बहुत तेजी के साथ बंद हो गया और आवाज क्या आई, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है। उसके बाद जॉन ने उसकी साउट सुनी बिहाइंड द क्लोज्ड डोर, बंद दरवाजे के पीछे से जॉन ने उसकी साउट सुनी। तो दोस्तों ये रहा हमारे कंप्रिहेंशन पैसेज का हिंदी में मतलब। अब देखते हैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस एक एक करके। तो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस पैसेज से जुड़ा हुआ वो है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन वर्ड का अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा जा रहा है। तो गिवन वर्ड हमारा क्या है, नॉक ऑन। ठीक है, नॉक ऑन, तो ऑन हमारा एक प्रेपोजिशन है, तो नॉक के साथ ऑन यूज किया गया है, प्रेपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे नॉक ऑन का मतलब क्या होता है, नॉक का मतलब होता है खटखटाना या दस्तक देना। ठीक है, खटखटाना, खटखटाना या दस्तक देना। ठीक है, दस्तक देना स्पेशली दरवाजे पर। तो यहाँ पे नॉक ऑन का पूछा गया है अप्रोप्रिएट मीनिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन से देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन वन जो हमारा है गो ऑन का मतलब क्या होता है, गो ऑन एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है कंटिन्यू करना यानी जारी रखना। ठीक है, गो ऑन का मतलब जारी रखना है ना। ऑप्शन टू हमारा है पुटअप, पुटअप का मतलब क्या होता है, पुटअप का मतलब होता है उठाना या ऊंचा करना। ठीक है, उठाना या ऊंचा करना, पुटअप। ठीक है, या चस्पा करना, जैसे नोटिस को पुटअप करो आप। ठीक है, तो ऊंचा करना या उठाना भी मतलब होता है पुटअप का। ऑप्शन जो हमारा थ्री है, इंडिकेट द प्रेजेंस स्पेशली एट डोर्स। ठीक है, तो अपनी जो प्रेजेंस है उसको दर्शाना स्पेशली डोर्स पर, दरवाजों के पास है ना, दरवाजे पर किसी के, तो यानी दस्तक देना या दरवाजे को खटखटाना, अपनी उपस्थिति महसूस कराना, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना या दिखाना। ठीक है, ऑप्शन जो फोर हमारा है, नन। तो यहाँ पे अगर हम जो हमारा गिवन पैसेज है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें नॉक ऑन का मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन थ्री है वही हमारा अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा गिवन वर्ड नॉक ऑन का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन थ्री को ही करेक्ट मार्क करेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। आज के सेशन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे गिवन वर्ड का अप्रोप्रिएट एंटनिम पूछा जा रहा है, विलोम शब्द पूछा जा रहा है। ठीक है, तो गिवन वर्ड हमारा यहाँ पे क्या है, गिवन वर्ड हमारा यहाँ पे है प्रेस। ठीक है, गिवन वर्ड हमारा प्रेस है, और प्रेस का मतलब क्या होता है, प्रेस का मतलब होता है दबाना। ठीक है, प्रेस का मतलब होता है आपका यहाँ पे दबाना या निचोड़ना। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक एक करके अपने ऑप्शंस। ऑप्शन वन जो हमारा है रिलीज, रिलीज का मतलब क्या होता है, छोड़ना। ठीक है, ढीला करना या रिलीज का मतलब होता है छोड़ना। ऑप्शन जो टू हमारा है स्मूथ, स्मूथ का मतलब क्या होता है, स्मूथ का मतलब होता है नरम या सरल। ठीक है, स्मूथ। ऑप्शन जो थ्री हमारा है पुश डाउन, पुश डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ ढकेलना। ठीक है, नीचे की तरफ ढकेलना, पुश डाउन। ऑप्शन जो फोर हमारा है डिप्रेस, डिप्रेस का मतलब क्या होता है, डिप्रेस का मतलब भी होता है दबाना। ठीक है, दबाना। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या गया है, प्रेस का एंटनिम, प्रेस का मतलब क्या होता है, दबाना या निचोड़ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ऑप्शन वन विच इज रिलीज, रिलीज का मतलब होता है छोड़ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन वन है रिलीज, वही अप्रोप्रिएट एंटनिम है गिवन वर्ड प्रेस का। तो हम यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन वन को ही करेक्ट मार्क करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, सेलेक्ट द वर्ड क्लोज
क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड मतलब यहाँ पे सिनोनिम पूछा जा रहा है, सिनोनिम पूछा जा रहा है, समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का। तो गिवन वर्ड हमारा क्या है, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या देना, ठीक है, व्याख्या देना, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना, उसकी व्याख्या देना, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन जो वन हमारा है ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, ऑब्सक्योर का मतलब होता है धूमिल करना, धूमिल करना या धुंधला करना, ठीक है, ऑब्सक्योर का मतलब होता है धूमिल करना। ऑप्शन जो टू हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न करना, प्रश्न करना। अगर आप नाउन के सेंस में लोगे तो प्रश्न होगा, और अगर आप वर्ब के सेंस में लोगे तो प्रश्न करना होगा, क्वेश्चन का मतलब। ऑप्शन जो थ्री हमारा है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट का मतलब होता है आग्रह करना, ठीक है, रिक्वेस्ट का मतलब होता है आग्रह करना। ऑप्शन जो फोर हमारा है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, ठीक है, वर्णन करना किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, सिनोनिम पूछा गया है एक्सप्लेन का, एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना। तो आप यहाँ पे देखो ऑप्शन फोर विच इज डिस्क्राइब, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ डिस्क्राइब इज सम हाउ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एक्सप्लेन, सो वी वुड मार्क ऑप्शन फोर एज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ऑप्शन फोर डिस्क्राइब इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सप्लेन। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन। तो दोस्तों आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे विपरीत शब्द पूछा जा रहा है, विलोम शब्द पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का, ठीक है। तो गिवन वर्ड क्या है हमारा यहाँ पे, इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है, इंटरेस्टेड का मतलब होता है इच्छुक, ठीक है, इच्छुक, जिसकी रुचि हो किसी भी चीज में, उसको हम कहते हैं कि वो व्यक्ति उस चीज में इंटरेस्टेड है, तो वो इच्छुक है, उसकी इच्छा है, ठीक है, इंटरेस्ट है उसका। ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन वन जो हमारा है फोकस्ड, फोकस्ड का मतलब क्या होता है, जो कि केंद्रित हो, है ना, जो एक ही जगह पर केंद्रित हो, फोकस्ड हो, जो केंद्रित हो उसको हम कहते हैं फोकस्ड। ऑप्शन जो टू हमारा है इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड का मतलब क्या होता है, जो कि शामिल हो, सम्मिलित हो, ठीक है, जो कि शामिल हो उसको हम कहते हैं इन्वॉल्व्ड। ऑप्शन जो थ्री हमारा है डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है कि रुचिहीन, ठीक है, जिसकी कोई रुचि ना हो, ठीक है, डिसइंटरेस्टेड। ऑप्शन जो फोर हमारा है कंसर्न्ड, कंसर्न्ड का मतलब होता है जो जुड़ा हुआ हो या जो चिंतित हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इंटरेस्टेड हमारा एक यहाँ पे क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो चारों ऑप्शंस देखने के बाद कि ऑप्शन जो थ्री हमारा है डिसइंटरेस्टेड वही मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम है गिवन वर्ड इंटरेस्टेड का। तो दोस्तों हम यहाँ पे ऑप्शन थ्री को ही करेक्ट मार्क करेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए और आप उनका बेनिफिट ले पाओ। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।